चलो देखते हैं आज हमने कैसे ट्रेड किया। मैं आप सभी के साथ अपडेट कर दूं। देखिए सबसे पहले आप सभी के साथ एंट्री कैंडल मार्क कर देता हूं। पहला एंट्री कैंडल इसमें हुआ था, इस कैंडल के ब्रेक पे जो ग्रीन कैंडल है, और दूसरा एंट्री कैंडल कॉल साइड का था, इसी कैंडल में एंट्री बना लिया था और ये वाला एग्जिट कर दिया था। बताते हैं इसके विषय में कैसे मैंने क्या किया, आप सभी के साथ अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं अपने प्रीवियस डे वाले में, कैसे हमने प्रीवियस डे में ट्रेड किया, वहाँ पे क्या हम लोग समझा था, आज के लिए उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ बताया था कि मार्केट देखिए कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, गैप अप होगा तो हम लोग किसको टारगेट करेंगे, गैप डाउन होगा तो कैसे टारगेट करेंगे, फ्लैट ओपन होगा तो किसको टारगेट करेंगे, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स कैसे काम कर रहे थे। तो हमने पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया था, फिर देन उसको एग्जिट क्यों किया था, वहाँ पे जो भी मैंने बताया था वो गैप अप के लिए बताया था। तो फ्लैट ओपनिंग में जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएंगे, सिचुएशन इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में मार्केट इसको टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर की साइड कोई एसएल है नहीं। ठीक है, ना ही इसको हम टारगेट कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में। ठीक है, देखिए अच्छा मोमेंट आ गया था, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए था, लेकिन हम बताते हैं क्यों इसमें एग्जिट किया था। तो खैर अब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी को ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, यही वाला जो बनाया था मैंने रेजिस्टेंस, इसी को ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, अच्छा पॉइंट मिल गया, यहीं पे मैंने बनाया था, अगर देखेंगे तो लगभग 170 180 के पॉइंट का लगभग मिल गया था, अब कुछ नहीं किया जा सकता। खैर तो हमने किसको टारगेट किया था फ्लैट ओपनिंग में, हमने फ्लैट ओपनिंग में इनको टारगेट किया था और इनको भी टारगेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट यहीं तक था तो हम यहीं तक आते और फ्लो में अगर इसको ब्रेक कर देता तो हम वेट किए रहते। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में हमने यहीं पे पोजीशन पुट साइड के लिए बनाया था, क्योंकि ऊपर की साइड कोई एसएल नहीं था, मैं इनको टारगेट नहीं कर सकता इसलिए ऊपर की साइड एसएल नहीं लेके चलता, तो इनको हमने टारगेट किया था इनको। ठीक है, और कंफर्मेशन लेने के लिए हमने निफ्टी में गया, तो निफ्टी में देखे डायरेक्टली कोई ऊपर की साइड एसएल हम कंसीडर करेंगे नहीं ऊपर की साइड कोई डायरेक्टली एसएल, तो हम लोग एसएल कहाँ पे लेंगे, हम लोग एसएल यहाँ पे लेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस कर लेंगे, देन इसके जो सपोर्ट बनाया है इसका एसएल लेंगे, तो यहाँ पे आराम से जा सकता है। ठीक है, इसी का मैं रेफरेंस लेके मैं बैंक निफ्टी में एंट्री किया और बैंक निफ्टी का भी रेफरेंस मिल गया था हमको कि कैसे हमने ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमने पोजिशन चेंज क्यों किया, पोजिशन इसलिए चेंज किया कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वीक कैंडल देख रहे हैं, हालांकि ये सब तो डराने के लिए होता है, लेकिन इसमें लॉजिक ये बना था मेरा कि देखिए नियर बाई साइकोलॉजिकल लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कौन आएगा, बायर्स ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ही आएंगे, यहाँ पे बायर्स एक भी नहीं आएंगे। बायर्स कब आएंगे, जब इनको ब्रेक कर देते, अगर इनको इस हाई को ब्रेक नहीं किया होता तो हम डेफिनेटली इसमें वेट करते। ठीक है, इस हाई को ब्रेक किया वो भी हेल्दी कैंडल के साथ, इसलिए मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पोजीशन बनाया था यहाँ पे और देन अपना एसएल हिट हो गया, क्योंकि इसमें जब मैंने एग्जिट किया तो मेरे पास अभी 30 पॉइंट का एसएल बचा हुआ था, 30 से 40 पॉइंट का, तो इसमें सब गवा दिया। अब टेलीग्राम शो कर देते हैं, ये अपना टेलीग्राम है, देखिए यहाँ पे अपडेट किया था 9:18 पर, और कब मैंने शॉर्ट इसके लिया था 9:18 पर सेंड किया था। यहाँ पे ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, ये जो एरो मैंने बनाया इसका मतलब यही है, ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड, क्योंकि टाइप करने में समय लग जाता है तो आप लोग को थोड़ा डिले होता है, इसलिए मैंने एरो बना के, पहले भी एरो बनाता था लेकिन वहाँ पर मैंसन करता था, जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने किया है ये तो नहीं, यहाँ पर तो नहीं किया है, यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड, फिर यहाँ पे इसके पीछे आप लोग जानते ही हैं कि हम मेंशन करते हैं ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड, तो आज मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि आज का थोड़ा सा चेंज करने का मेरा मूड था कि आज चेंज करते हैं तभी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे एरो के साथ ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड, देन यहाँ पे चेंज किया था ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे चेंज एसएल हिट हो गया अपना, तो ज़्यादा एसएल लेके नहीं चला क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है कि थोड़ा सा एसएल बढ़ाने में दिक्कत ही समझ में आता मुझे, तो इसलिए मैंने यहीं पे एग्जिट करना था और अच्छा भी निर्णय लिया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, अच्छा किया। तो आज का एसएल यही था, आज मेरा एसएल हिट हुआ। वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।